ये वो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने कासल पर दो वॉच टावर बनाए थे जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और यार, जो अपने कासल की लुक है ना, वो बाहर से बहुत ज्यादा सही हो गई है, लेकिन यार जो अपना कासल है ना, अभी अंदर से इनकम्प्लीट है। यानी जो इसका इंटीरियर है ना, वो भी बनाना बाकी है। अब यार देखो, इंटीरियर के लिए मैं काफी दिनों से डिजाइन सोच रहा था, कौन से ब्लॉक्स लगाने चाहिए, कैसा डिजाइन बनाना चाहिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेंशंस भी आते हैं। और गाइस यार, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है अपना जो कासल का इंटीरियर है ना, उसमें मैं लगाने वाला हूँ टेराकोटा ब्लॉक्स। और उनको बनाते कैसे हैं, काफी अलग रेसिपी है, वो भी अभी मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ। बाकी तो आप देख ही पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा, तो काफी टाइम लगने वाला बनाने में। और ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गया, तेरी हंसी की दसी निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार, अभी ना देखो, सबसे पहले हमें काफी सारी क्ले चाहिए होगी, और क्ले हमें मिल जाती है पानी में। और साथ के साथ ना हमें देखो अलग अलग कलर के ब्लॉक्स बनाने के लिए ना मुझे डिफरेंट टाइप्स की डाई चाहिए होगी। जैसे कि अगर रेड ब्लॉक बनाना है तो मुझे रेड डाई चाहिए, और रेड डाई मिल जाती है फ्लावर से। ऐसी अलग अलग टाइप्स की हमें डाई मिल जाती है। बाकी यार देखो, अभी फिलहाल जितना भी काम का सामान है वो मैंने सारा का सारा ले रखा है, तो भी जल्दी से चलते हैं। मतलब कि मेरे को डाई ढूंढनी है और काफी सारी क्ले इकट्ठी करनी है ताकि मैं बहुत टाइप के टेराकोटा ब्लॉक बना पाऊं। तो टेराकोटा ब्लॉक बनाने के लिए हमें क्ले चाहिए, फिर क्ले को फर्नेस में डालना है, कुछ इस टाइप से ही बनता है। तो भी जल्दी से लेकर आते हैं टेराकोटा, मतलब जल्दी से क्ले लेकर आते हैं, फिर उससे बनाएंगे टेराकोटा। तो अभी ना मैं भागते भागते काफी ज्यादा आगे तक आ चुका हूं, और यहां पर मेरे को सामने ब्लू कलर के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। और गाइस यार, आज ना मुझे सबसे पहले ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म भी बनाना है। अब उससे क्या होगा, मुझे काफी सारे पेपर्स मिलेंगे, और मुझे जितने पेपर्स मिलेंगे ना, मुझे उतना फायदा है, क्योंकि मैं फिर कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग करूंगा। और आपको पता होगा, कार्टोग्राफर विलेजर से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर वो हमें कुछ टाइम बाद एक ट्रेजर मैप देता है जिसके अंदर खजाना होता है, तो उसे भी ढूंढने जाएंगे। फिलहाल अभी ना मेरे को इधर काफी सारे फ्लावर्स मिल गए हैं। और यार यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, इससे मैं ब्लू डाई बना सकता हूं, बाकी शायद व्हाइट वाले से व्हाइट डाई भी बना सकते हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूं। बाकी यार इधर रेड फ्लावर्स भी हैं, और आप लोग को तो पता ही होगा कि जो मेरा मतलब कि आयरन फार्म है उसके अंदर जब गोलम मरता है तो मुझे वाले फ्लावर्स मिलते हैं, तो इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। फिलहाल सामने की तरफ में ना मेरे को पिंक कलर के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, तो भी जल्दी से ना ये वाले फ्लावर्स भी मैं कलेक्ट करता हूँ, मेरे को इससे पिंक डाई मिलेगी। बाकी मेरे पर ना काफी सारे मतलब कि येलो डाई ऑलरेडी पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की डाई हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। बाकी यार यहाँ पर जितनी मिलती है मैं सारी कलेक्ट करता हूँ। एक ना यहाँ पर मतलब कि एक डेजर्ट एरिया, वहां पर कैक्टस होते हैं, और कैक्टस से हमें मिलती है ग्रीन डाई, तो जल्दी से वो भी लेकर आएंगे। बाकी यार यहाँ पर ना मेरे को सयान डाई चाहिए, एक मतलब जो एक टाइप से ना लाइट ब्लू आप समझ लो, तो अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती कोई बात नहीं। तो गाइस देखो, यहाँ पर ना फिलहाल कुछ अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, शायद से ना इनसे मेरे को व्हाइट डाई मिल जाएगी। अभी फिलहाल ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर ना गाइस एक जंगल है, और जंगल के अंदर मिलता है कोको बीन्स, और कोको बीन्स से बनती है ब्राउन डाई, यानी कि मैं ब्राउन कलर के भी टेराकोटास बना सकता हूँ। और अभी ना मेरे को कुछ ऑक्टोपस को मारना है, क्योंकि ऑक्टोपस को मारने से हमें मिलती है ब्लैक डाई, और ब्लैक डाई से जो टेराकोटा बनता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया होता है देखने में। अभी फिलहाल जल्दी से मैं चलता हूँ, सामने आप लोग को भी जंगल नजर आ गया होगा। इधर से ना गाइस मुझे काफी सारे कोको बीन्स कलेक्ट करने हैं, हम बनाएंगे ब्राउन डाई। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते जंगल में तो आ गया हूं, लेकिन यार इधर ना मुझे कोको बीन्स नजर नहीं आ रहे। ओके 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 गाइस, मेरे को सामने की तरफ में कोको बीन्स दिख गया, तो भी जल्दी से ना इस वाले कोको बीन को मैं तोड़ता हूं। लो भाई, यहां पर ये मेरे को मिला कोको बीन, कहां चला गया, ये रहा। तो देखो, तीन कोको बीन मिल गए हैं। ओ भाई, इधर तो बहुत सारे हैं, कोई भी कमी नहीं है। जल्दी से यहां पर तोड़ के सारे मैं कलेक्ट करता हूं। और पीछे मेरे एक हॉर्स खड़ा हुआ है, काश यार मैं अपनी एक सैडल लेकर आता, इसके इस पर बैठ कर ही अपने घर पर वापस चलते। तो मेरे को ज्यादा कोको बीन्स की जरूरत नहीं है, जितने मेरे को मिलते हैं थोड़े बहुत कलेक्ट कर लेता हूं, बाकी कोई ज्यादा तो चाहिए नहीं। और इधर कुछ येलो फ्लावर्स हैं, और येलो फ्लावर्स की भी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत सारी येलो डाई है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। बाकी एक बार ही मैं सामने की तरफ से थोड़े बहुत कोको बीन्स और कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी ब्राउन डाई से कैसे टेराकोटा बनते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यार मेरे को ना सयान डाई चाहिए। सयान डाई में मिलती है ग्रीन और ब्लू डाई को मिलाने से, तो अभी मैं जल्दी से ग्रीन डाई कलेक्ट करता हूँ। और देखो, पानी में ऑक्टोपस है, अभी इन दोनों को लपेटते हैं, इससे मेरे को मिलेगी इंक सैक, और इंक सैक होती है ब्लैक डाई। इधर अबे तेरी ऐसी की दसी, यहाँ पर इसके तो भर दिए भाई, इसके मैंने भर दिया। और ये देखो, मेरे को तीन इंक सैक मिल गया है, यहाँ पर पाँच छः ऑक्टोपस है, सबको मारता हूँ मैं फटाफट से। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते थोड़ा बहुत आगे की तरफ में तो आ गया हूँ। यहाँ पर ना नीचे की तरफ में और भी कई सारे ऑक्टोपस हैं, इनको भी मारता हूँ। कहाँ चले गए भाई, मेरे को भी दूर से तो नजर आते, ये रहा। तो ये तो चलो पानी के ऊपर ही है, तो मेरी हेल्थ भी ज्यादा नहीं जाएगी। इधर आओ सर जी, एक पड़ा, दो पड़ा, ओह कहाँ चला गया, ये रहा। ओह इतनी तेज मत भागो सर। चलो भाई, इसको भी बेचारे को मैंने मार दिया एक डाई के लिए। बाकी यहाँ पर अभी मैं और ऑक्टोपस नहीं मारने वाला, क्योंकि मेरे पास काफी सारी डाई हो चुकी है। और गाइस एक गड़बड़ होगी, अभी ना रात हो गई है, और मेरा घर वहां से यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, बट अभी पता पास में ही ना एक विलेज है, यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ। तो जल्दी से ना उस वाले विलेज पे चलते हैं, आज के लिए मैं वहीं पर रुकने वाला हूँ, और फिर हम लोग कल भी वहां से कैक्टस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को उससे ग्रीन डाई मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर एक अरे 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 पीछे क्रीपर है, प्लीज मेरे पास मत आ, कहीं पता चले मेरे आप पास आके गले ही मिल ले। तो भी जल्दी से चलता हूँ, सीधा सामने आपको डेजर्ट नजर आ गया होगा, वहां से बस मुझे कैक्टस चाहिए, और उसी वाले विलेज में मैं आज के लिए रुक जाऊंगा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते काफी ज्यादा आगे तो आ गया हूँ, लेकिन गाइस मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना, तो शायद से मैंने इधर एक डेजर्ट देखा था, बट यार अभी मेरे को वो
डेजर्ट नजर नहीं आ रहा है और इस तरफ में काफी सारे मॉब्स हैं और आगे की तरफ में एक काफी ज्यादा अजीब सी जगह है। तो भी जल्दी से मैं चलता हूँ, ये वाले जो ब्लॉक्स है ना ये भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। शायद से गाइस यार ये भी टेराकोटा ही होते हैं जहां तक मुझे पता है, बाकी यार एक बार इन्हें तोड़ने के बाद इसका नेम पढ़ लेंगे। तो भी जल्दी से मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। यार यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा वो डेजर्ट कहाँ पर चला गया यार, मेरे को ग्रीन डाई चाहिए बट अभी किस्मत मेरी थोड़ी खराब है। खैर छोड़ो, भी फिलहाल मैं यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ। और ये आखिरकार कौन से ब्लॉक होते हैं मुझे कलेक्ट करने, कुछ डर्ट टाइप है, इसको कलेक्ट करके मैं पता करता हूँ। ये है रेड सैंड। ओके चलो यहाँ पर रेड सैंड मिल गया। क्रीपर नहीं प्लीज, क्रीपर की आवाज मेरे को आई है। भी फटाफट मैं इसको तोड़ता हूँ। और गाइस यार शायद से टेराकोटा होते हैं जहां तक मुझे याद है, एक मिनट में रेड कर लेता हूँ। तो हाँ गाइस यार देखो ये ऑरेंज टेराकोटा है। तो चलो यार अपना ऑरेंज टेराकोटा का तो जुगाड़ यहाँ से हो गया। अभी फटाफट ना यहाँ पर जितने भी टाइप के मेरे को टेराकोटा मिलते हैं मैं सारे कलेक्ट करता हूँ। देखो यार अपने को ना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपके भी विलेज के पास कोई ऐसी जगह है तो बनाने से बढ़िया यहाँ पर आ जाना, आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिल जाएंगे भाई। बहुत ज्यादा बड़ी जगह है। प्लीज यार एक बार दिन हो जाए, यहाँ पर विलेज भी नहीं नजर आ रहा। और यार वाला जो डेजर्ट था वो कहाँ पर चला गया भाई? ये ज़ॉम्बी और स्पाइडर मेरा जीना हराम कर रहे हैं। इधर अबे तेरी ऐसी की तैसी बेमतलब पंगे, मैं क्या बोलूं भाई इनको। यहाँ पर चलो इसको तो मैंने मार दिया, तू भी निकल बेटा, गड्ढे में डाल दूंगा यहीं पर छेद करके। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन ज़ॉम्बीज को मार दिया। अभी फटाफट से एक काम करता हूँ, जितने भी टेराकोटास इधर है ना सारे के सारे मैं कलेक्ट करता हूँ। वैसे मेरा बनाने का बहुत ज्यादा मन था बट अगर अभी फ्री में मिल रहे तो क्या दिक्कत है, जल्दी से जितने हो पाते हैं सारे कलेक्ट करता हूँ। और आखिरकार ये कलर कौन सा? तो मेरे को अभी ब्राउन टेराकोटा एंड नॉर्मल टेराकोटा और यहाँ पर ऑरेंज टेराकोटा भी मिल गया। अगर देखो नॉर्मल टेराकोटा से पता क्या होता है, उसको फिर हम ना किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी यार यहाँ पर नॉर्मल वाले का कलर होता कैसा आखिरकार, वो मेरे को देखना पड़ेगा। अबे यार तू शवल लेके मेरे से चोना हो रहा है, एक भी मार दे तो मेरा नाम बदल दो, निकल यहाँ से भाई, इनका अलग ही स्वैग। आ जा बेटा आ जा, बराबरी का मुकाबला होगा, इसीलिए आज मैं लेकर आऊँ। लास्ट एपिसोड में मेरी बहुत ज्यादा फाइट हुई थी इन स्केलेडन से, अब मैं इन भाई तो आप दो दो आ गए, पूरी स्क्वाड आ गई भाई, पूरी की पूरी स्क्वाड आ गई इनके। मैं पीछे चलता हूँ यार, एक बार ही दिन हो जाए प्लीज यार, ये मेरा बड़ा दिमाग खराब कर रहे हैं भाई। मैं समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, यहाँ पर इतने सारे टेराकोटा, जो चीज बनानी थी वो फ्री में मिल रही है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा यार इन लोग का मैं करूँ क्या। फिलहाल देख रहे हो ऊपर की तरफ में कितने सारे स्केलेटन्स खड़े हैं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक गड्ढा करता हूँ और आज आज के लिए ना यहीं पर रुक जाता हूँ, फिर हम कल देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। बाकी यार ये नकली सैंड है भाई, मेरे ऊपर ही आके गिर जाएगी। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैंने इधर गड्ढा कर दिया, आज आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और वैसे नीचे की तरफ मैं माइनिंग करूंगा तो थोड़ी स्केलेटन मेरे को कुछ खाएगा। बाकी यार देखो पानी को भी चैन नहीं, यहीं से मुंह उठा के आ गया। एक मिनट रुक जाओ, एक पानी का ब्लॉक मेरे को लगाना पड़ेगा इधर ताकि पानी आगे ना। चलो भाई अभी पानी मैंने रोक दिया, इस तरफ में जल्दी से माइनिंग करके मैं कलेक्ट करता हूँ। हर जगह से ही पानी आ रहा है भाई, ऊपर चलो इधर कर दे माइनिंग। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल माइनिंग करते करते पूरे का पूरा डे हो चुका है और मैंने काफी सारे टेराकोटास कलेक्ट कर लिए हैं। और ये वाले जो टेराकोटा है ना इसको हम किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं, सिंपल टेराकोटा है। बाकी ये ब्राउन टेराकोटा है, इससे सिर्फ और सिर्फ अलग वाले मतलब जो टेराकोटा में चाहिए वो बन पाएंगे। और जिन लोगों को भी टेराकोटा नहीं पता वो हल्के में ले रहे हो इस ब्लॉक को, भाई ये ब्लॉक से बहुत ज्यादा मस्त डिजाइन बनता है, इसे फर्नेस में डालकर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी तो अभी जितने भी उपाय ना मैं सारे कलेक्ट कर लेता हूँ भाई, बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया है। अभी जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। ओ गाइस इधर कैक्टस भी है, यानी कि मैं ग्रीन डाई भी बना सकता हूँ। और अगर मैंने ग्रीन डाई बना ली तो फिर मैं बहुत ज्यादा आराम से सैन डाई भी बना पाऊंगा। तो अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा आगे। बाकी यार यहाँ पर एक क्रीपर भाई साहब है, क्रीपर भाई देख ले, तू मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है मेरा, इधर तेरी ऐसी निकल यहाँ से। दोस्त के पड़ी मुंह पे चाटा, एक और पड़ेगा तेरा, बहुत तेजी में आ रहा है, इसके तो रख रख के मारूंगा अभी यहाँ पर इसके। अबे यार मेरे को हेडशॉट मारने का इतना मन था लेकिन तू पहले ही मर गया। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पर जल्दी से मैं तोड़ता हूँ कैक्टस को। अभी फटाफट से मुझे कैक्टस की, देखो इससे मैं बनाऊंगा ग्रीन डाई और ग्रीन और ब्लू डाई को मिला के मैं बनाऊंगा सियान डाई। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इसे कलेक्ट करता हूँ। अभी फटाफट से नीचे भी काफी सारे कैक्टस, ओ भाई मैं इसके ऊपर ही गिर गया था क्या? चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से मैंने यहाँ पर काफी सारे कैक्टस कलेक्ट कर लिए हैं। और यार यहाँ पर अभी बहुत सारे टेराकोटा है यार, अभी मेरे को और आगे नहीं जाना, यहाँ पर जो पीछे है ना इन्हीं को कलेक्ट कर यहाँ से मैं निकलता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इधर से मैंने काफी सारे टेराकोटा कलेक्ट कर लिया और मुझे इतने ज्यादा टेराकोटा की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा जो कासल का बेस है शायद इतने से बन जाएगा, और वैसे भी अगर कोई कमी पड़ेगी तो हम लोग या तो बना लेंगे या फिर यहीं से लेकर आ जाएंगे। वैसे बनाते कैसे है वो भी मैं मतलब कि खुद से भी बनाकर देखना चाहता हूँ। तो बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत क्ले चाहिए होता है, बाकी यार यहाँ पर क्ले तो मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो शायद से जो मेरे घर के पास रिवर है ना वहां से ले लेंगे, इधर मेरे हिसाब से क्ले नहीं है, मतलब होता हर जगह पर है बट कभी कभार कहीं कहीं पर नहीं होता, जैसे कि अभी यहाँ पर नहीं है। तो भी जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा अपने कासल के पास, वहां पर जो रिवर है ना उसमें काफी सारा क्ले है, तो जल्दी से वहीं से क्ले लेंगे और मैं आपको बनाकर भी दिखाने वाला हूँ। बाकी तो अगर आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है मतलब आपके कासल के पास, तो आप वहां से भी काफी सारे टेराकोटा लेकर उनको अलग अलग कलर में बना सकते हो। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते वापस से अपने कासल के पास तो पहुंच चुका हूं। और गाइस यार जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको डाई मतलब कि जो टेराकोटा होते हैं ना बनाकर भी दिखाने वाला हूं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्ले। तो यहां पर जल्दी से मैं सारी की सारी क्ले कलेक्ट करता हूं। बाकी यार अगर जो क्ले पानी के अंदर होती है ना उसे कलेक्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, अगर हम ऊपर से तोड़ते हैं ना तो काफी जल्दी हो जाता है। अब पता नहीं ये कैसा लॉजिक है या फिर कोई फैक्ट है माइनक्राफ्ट का ही, मतलब अगर पानी के अंदर जाकर हम कोई चीज तोड़ते हैं तो टाइम लगता है लेकिन बाहर से तोड़ते हैं तो जल्दी टूट जाती है। तो भी फिलहाल ये तो मैंने कलेक्ट कर लिया, आगे की तरफ में भी काफी सारी क्ले है, ये देखो यहाँ पर इतनी ढेर सारी क्ले पड़ी है। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं तोड़कर
सारी की सारी कलेक्ट करता हूँ तो मेरे हिसाब से इतनी बहुत रहेगी। तो अरे यार कलेक्ट ही नहीं हुई, नीचे रह गई। चलो अभी मैंने इसे ले लिया है। फिलहाल यहाँ पर ये तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इधर से ही कलेक्ट करके निकलते हैं। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो, मतलब जितनी भी क्ले है ना कितनी जल्दी जल्दी टूट जा रही है, मतलब कि एक एक अटैक में ही निकल जा रही है। बाकी तो भी फिलहाल इधर मैंने काफी सारी क्ले तोड़ दिया, जल्दी से नीचे आकर मैं इसे कलेक्ट भी कर लेता हूँ। बट पीछे की तरफ में ना ये मेरे को कुछ अलग सी चीज दिखी है, इसका मेरे को नाम नहीं पता, जल्दी से तोड़कर देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये भी टेराकोटा ही हो। बाकी यार देखने में वैसा सही लग रहा है, इसका नाम क्या है, एक मिनट रुक जाओ, ये पानी में गिर गया क्या सारा? ओके ये मतलब कुछ मशरूम टाइप है। चलो यार अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी जल्दी से मैं चलता हूँ वापस से अपने कासल में। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल भागते भागते मैं वापस से अपने कासल पे आ चुका हूँ। और गाइस यार मैं ना ये सोच रहा था कि जो मेरे कासल के ऊपर एक्सपी फार्म है ना मैं इसे तोड़ दूं, मतलब ये ना काफी ज्यादा बेकार सा लगता है और इसकी वजह से लुक भी थोड़ी बहुत खराब होती है। तो अगर आप लोग को भी बेकार लगता है तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। अभी फिलहाल जल्दी से काम करता हूँ। यहाँ पर देखो जो जो चीजें मैं लेकर आया था, सबसे पहले उसका यूज, तो सबसे पहले जो जितनी भी क्ले बॉल है ना मेरे को इससे यहाँ पर रखना है और इससे मेरे को मिल जाएगी क्ले। तो जितनी भी ये कन्वर्ट हो पाती है सारी की सारी मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टोटल 30 ब्लॉक्स हो चुके हैं। अब इन क्ले ब्लॉक्स को मुझे रखना है फर्नेस के अंदर, शायद से मेरे को भी पूरा पक्का बनाना नहीं आता, मैं अभी समझ लो सीख ही रहा हूँ। तो यहाँ पर रखने से हाँ गई, जिसको मतलब कि हमें इसमें रखना है फर्नेस में। बाकी यार थोड़ा सा निकाल के आप अपने दूसरे फर्नेस में डाल सकते हैं, खाली कोई नहीं बैठना चाहिए भाई। तो चलो यार अभी इस वाले फर्नेस में भी डाल दिया और बाकी इस वाले फर्नेस के अंदर डालते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इससे उठाकर इसके अंदर डालता हूँ। देखो चारों जल्दी जल्दी काम करेंगे तो जितने भी ब्लॉक है फटाफट से कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने स्टोन कन्वर्ट होने के लिए रखे थे, इनको मैं वापस उठा के इसमें रखता हूँ। बाकी तो भी जैसे ही बनेंगे ना इससे मैं शायद से, हाँ देखो गाइस टेराकोटा मिल गया। तो ये देखो गाइस यहाँ पर ये बन गए हैं टेराकोटा, जो कि मैं उस जगह से लेकर आया हूँ। तो भी जल्दी से ना एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना अलग अलग कलर की डाई बनाता हूँ ताकि ये जो टेराकोटा ना मैं इनको अलग अलग कलर में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आया था ये ब्लू वाले, तो इनसे ब्लू डाई बन गई है। देखो काफ़ी सारी ब्लू डाई बन गई है। और ये जो ब्लैक वाले हैं इससे ब्लैक डाई बन गई, और क्या क्या ये रेड वाले हैं इससे रेड डाई बन गई, और ये पिंक वाले से शायद, ओ भाई पिंक डाई भी बन गई है। और इससे क्या बनता है, इससे भी नहीं इससे मजेंटा डाई बनी है। ओके इससे पिंक डाई नहीं, इससे मजेंटा, और इससे बनी है लाइट ग्रे डाई। चलो भाई लाइट ग्रे डाई भी ले लेते हैं। और इससे बनी है वाइट डाई। मतलब जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आया था इन सभी से डाई बन जाती है, और जो बाकी कलर्स हैं वो इनको मिक्स करके बनते हैं। ठीक है, मतलब और भी अलग अलग होते हैं, मिक्स करके भी बन जाते हैं। और ये है कैक्टस। वही कैक्टस से कुछ नहीं बना यार, कैक्टस को कैसे यूज़ करते थे? नहीं इससे बनती है मेरे को इतना तो याद है। अभी फिलहाल काफ़ी सारी डाई तो मैंने बना लिया, बट कैक्टस से कैसे डाई बनती थी मेरे को याद नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं फर्नेस में डालता हूँ, क्या पता फर्नेस में डालने से कुछ हो। वैसे हाँ रिएक्शन तो हो रहा है, बट उससे बनेगा क्या वो मेरे को देखना है। इसे बनने देते हैं जल्दी से। एक तो यार ये बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, पूछो मत, मेरे को एक बारी सोना पड़ेगा ताकि अगला दिन हो जाए। बाकी अभी ये देखो इससे हमें ग्रीन डाई मिलने लगी, मतलब इसमें फर्नेस में डालना पड़ेगा। और इस ग्रीन डाई को हम लोग अगर यहाँ पर ब्लू से मिला दें तो शायद से सयान डाई बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको रखा, एक ब्लॉक में रखता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पर सयान डाई बन गई, वो भी दो दो। तो भी चलो यार जितने भी बनती है ना मैं सारी बनाता हूँ, वैसे दो ही बनेगी अभी तो, बट जैसे जैसे कलेक्ट होती जाएगी वैसे वैसे मैं बनाते जाऊँगा। तो चलो यार अभी सब कुछ हो चुका है, अब बारी है इन टेराकोटा ब्लॉक्स को अलग अलग कलर में कन्वर्ट करने की। जैसे जो ऑरेंज टेराकोटा है ना, इसको अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो गाइस देखना अभी क्या बनने वाला, मतलब बहुत कमाल की चीज़ बनेगी। बस एक बार बन जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं, तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने 7 ऑरेंज टेराकोटा ब्लॉक्स डाल दिए हैं, और अब देखना इससे क्या चीज़ बनने वाली है। जो भी चीज़ बनेगी ना आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, जिन्होंने पहले नहीं देखी वो लोग, बाकी जिन्होंने देखी उनके लिए तो नॉर्मल बात है। ये देखो गाइस ये है ऑरेंज ग्लेज टेराकोटा। ये मैं काफ़ी टाइम पहले ना विलेजर्स से लेकर आया था, तो मैं सोचता था कैसे बनेंगे, और फाइनली आज मैंने बना लिया। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं अपने कासल के अंदर बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी लुक देंगे। ये अपने कासल का ना गाइस मतलब कि एक टाइप से ग्राउंड होगा। तो भी बारिश बहुत तेज हो रही है, एक बार ही सो जाता हूँ, नेक्स्ट डे अपना जितना भी काम है ना वो करेंगे। अब फिलहाल यार यहाँ पर क्रीपर बहुत सारे, ओ भाई मैं सोऊंगा कैसे, मैं अपना एक काम करता हूँ बेड ही तोड़ कर ले आता हूँ, मेरे को सोना ही नहीं है भाई। अभी मैंने बेड कलेक्ट कर लिया। अरे सर 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 जाने दो यार, थोड़े दिन में मेरा कासल बन जाएगा ना तो ही ठीक होगा, वरना यार ये लोग परेशान करते ही रहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ज़्यादा बदमाश बनने निकले यहाँ से। अरे क्रीपर के तो मैं सबसे पहले मारूंगा, क्रीपर अपना दोस्त है। अरे नहीं मजाक करो मैं जा रहा हूँ, मेरा घर नहीं है, तुम लोग का ही कासल है थोड़े दिनों के लिए, अभी तुम लोग रह लो मैं बाद में आऊँगा। यार मेरे को दिन में काम करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर काफ़ी सारी टॉर्च लगानी पड़ेगी। तो भी जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले मैं बाहर निकलता हूँ, आज के लिए ना विलेजर्स के घर में सो जाता हूँ, क्योंकि यार वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भी जल्दी से चलते हैं विलेजर के घर में सोने। और ये बिल्ली क्यों पागल होगी मेरे को देखकर? तो भी फटाफट से मेरे को अंदर जाना। वो भाई गोलम्स बचा लेना, वो भाई सारे बेड फूल है यार, मैंने ही बेड लगाए थे, मेरे को ही सोने की जगह नहीं है। चलो अच्छी बात है, मैं अपना बेड इसीलिए लेकर आया। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर सुबह हो चुकी है, जल्दी से मैं इस जगह से बाहर निकलता हूँ और चलता हूँ सीधा अपने कासल के अंदर। बाकी तो यार यहाँ पर बेचारे जितने भी विलेजर्स हैं फुल एकदम मस्त हो रखे हैं, इनसे भी ट्रेडिंग भी करना बाकी है। और अभी ना मैं बहुत सारी ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने वाला हूँ, बस एक बार ही अपना ना कासल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग सबसे पहले एक एडवेंचर पे जाने वाले हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाएंगे।
चाहिए ताकि और मजा आए, फिर चलेंगे एंडर ड्रैगन से फाइट लेने। अभी फिलहाल एंडर ड्रैगन से अभी फाइट नहीं लेनी, थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे फिर मारेंगे उसको। तो अभी फिलहाल काफी सारे टेराकोटा मेरे पास पहले से भी पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं कलेक्ट करता हूँ। और इसको क्या होगा भाई, एक सेकंड निकल यहाँ से। तो चलो भाई, इसको मैंने मार दिया। इधर मेरे पास बहुत सारी येलो डाई पड़ी हुई है, इन सभी येलो डाई को मैं कलेक्ट करता हूँ। एक तो मेरा बैग ना यार पूरा भर चुका है, तो समझ नहीं आ रहा क्या चीज मेरे को फेंकनी चाहिए, क्या चीज रखनी चाहिए। इसके अंदर मैंने रखे थे वो बनने के लिए, ये देखो यहाँ पर काफी सारे टेराकोटास बन गए हैं। अभी यहाँ पर जो फालतू की चीजें पहले वो मैं बैग से निकालता हूँ, और जो जितनी भी चीजें बन रही है ना इसको मैं इन चेस्ट के अंदर स्टोर कराने वाला हूँ। तो गाइस यार देखो, अभी फिलहाल जो भी चीजें हमारे कासल के ग्राउंड में लगने वाली है उन सभी को मैं इस वाली चेस्ट के अंदर रखने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल ये जो ऑरेंज वाले ब्लॉक्स है मतलब टेराकोटा, इनको मैंने बना लिया। अब जो बाकी कलर्स के ब्लू रेड ग्रीन जो डाई लाया था इनसे भी नए नए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने के लिए टेराकोटा चाहिए, उन सभी को एक एक ब्लॉक में डाल देना। वैसे मैं दो दो कर लेता हूँ, दो दो नहीं यार तीन तीन कर लेते हैं। बहुत बड़ा कासल है यार अपना, कोई छोटा मोटा नहीं है। तो इसको मैं बनाने वाला हूँ सियान से। और अभी यहाँ पर ये क्या बनाया, एक सेकंड यार, ये सियान टेराकोटा बन तो गया है बट इसके अंदर गाइस मेरे को कोई ना कमी लग रही है। एक काम करता हूँ, ओ नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, सियान टेराकोटा को इसके अंदर डालना है तब बनेगा अपना टेराकोटा। तो चलो यार पहले इसको बनने देते हैं। अब मैं नया वाला बनाता हूँ, ठीक है। अब इस नए वाले को कुछ दोबारा मेरे को उसी तरीके से रखना है जैसे मैंने पहले रखा था। तो दो दो ब्लॉक्स रखते हैं और अब मैं इसे बनाऊंगा व्हाइट डाई से और देखते हैं क्या बनता है। अभी मेरे को व्हाइट वाले मिल गए हैं और अब इस व्हाइट डाई को हटा दो, ठीक है। अब मेरे को बनाना है ब्लू डाई से, तो अलग बनेंगे। एक काम करता हूँ, ब्लैक डाई से बनाकर देखता हूँ कि ब्लैक डाई से कैसे बनने वाले। तो ब्लैक डाई के लिए मैं थोड़े ज्यादा रखूंगा क्योंकि ब्लैक जो कलर है भाई वो अपने कासल पे बहुत ज्यादा मस्त डार्क थीम देगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ब्लैक वाले भी कलेक्ट कर दिए हैं, इसको मैं इस वाले फर्नेस के अंदर डालता हूँ। इस चीज को कलेक्ट करो, इसके अंदर मैं डालता हूँ ब्लैक टेराकोटा। तो अभी फिलहाल इसके अंदर मैंने ब्लैक टेराकोटा डाल दिया है, इस वाले के अंदर मैं डाल देता हूँ व्हाइट टेराकोटा। और अभी काफी सारे फर्नेस की जरूरत पड़ने वाली है भाई, फर्नेस कम पड़ गए पहली बार। और यहाँ पर अभी एक पिंक मैजेंटा है, मैजेंटा से पता नहीं क्या बनने वाला है बट रेड से सबसे पहले बनाकर देखते हैं। तो रेड से भी मैं उतना ही बनाने वाला हूँ जितने मैंने बाकियों से बनाए हैं। तो अभी फिलहाल टेराकोटा बहुत सारे पड़े, मैं कुछ ज्यादा ही ले आया था, इतने की तो जरूरत ही नहीं थी, मैंने कहा था वहीं पर। तो अभी फटाफट से यहाँ पर मैं अलग अलग बनाकर देखता हूँ। फिलहाल ये मेरे को पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे तभी आगे बनेंगे। अभी फटाफट से इसके अंदर मैं डालता हूँ रेड वाले, कांगे रेड वाले। चलो भाई अभी ये ग्रीन वाले कलेक्ट करता हूं और यहां पर अब रेड वाले भी बनना स्टार्ट हो गए। अभी जो ग्रीन वाले हैं, इस ग्रीन वाले से मैं सियान बनाता हूं जल्दी से। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने और भी ढेर सारी सियान डाई बना लिया है। अब इन सियान डाई से ना मैं और भी बहुत सारे जितने भी हो पाते हैं ना सारे के सारे सियान टेराकोटा बना लेता हूं, क्योंकि ये जो कलर है ना मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। मतलब ये थोड़ा ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है जो कि काफी ज्यादा सही लगता है देखने में। तो भी मैंने बहुत सारे इसके टेराकोटा कलेक्ट कर लिए हैं। और जो बाकी टेराकोटा है ना यार उसको भी मैं स्टोर करवा देता हूं, अभी मेरे को इतनी भी ज्यादा चीजें नहीं बनवानी। तो भी फिलहाल डाई जितनी मैं इसको स्टोर करवाओ, टेराकोटा स्टोर करवाओ यहाँ पर जितने भी हैं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस वाले फर्नेस के अंदर बन रहा है ब्लैक ग्लेज टेराकोटा, इसके अंदर बन रहा है सियान वाला टेराकोटा, और इधर बन रहा है व्हाइट ग्लेज टेराकोटा, और उसके अंदर बन रहा है रेड ग्लेज टेराकोटा। तो जब तक ये बन रहा है ना मैं एक काम करता हूँ, विलेजर्स के पास चलता हूँ इनसे ट्रेडिंग करने। बट देखो ट्रेडिंग करने से पहले ना एक काम करता हूँ, मैं शुगर केन फार्म ही बना लेता हूँ ऑटोमेटिक वाला, फिर उसके बाद हम लोग अपना कासल अंदर से डिजाइन करेंगे। और ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाने के लिए मुझे काफी सारे ऑब्जर्वर्स चाहिए, और अभी फिलहाल इसके अंदर मुझे काफी सारा पेपर्स मिलने वाला है। तो जितना भी शुगर है ये भी संभाल के रखना, ठीक है। तो अपना जो शुगर केन फार्म है मुझे समझ नहीं आ रहा किधर बनाना चाहिए। वैसे अपना कासल है तो बहुत ज्यादा बड़ा, तो इधर मतलब कासल नहीं, कासल का जो फार्म है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसी जगह पर मैं बना लेता हूँ, ये जगह काफी ज्यादा सही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने सैंड भी लगा रखी है और पानी भी है, तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक रेलवे ट्रैक चाहिए और साथ में कुछ ऑब्जर्वर्स चाहिए और पिस्टन चाहिए। यानी कि मेरे को, मैं पांच ऑब्जर्वर लेता हूँ, पांच पिस्टन लेता हूँ, फिर आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कैसा लगने वाला है। अभी फिलहाल मेरे को काफी सारे शुगर केन मिल तो गए हैं, थोड़ी बहुत शुगर केन मैं यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 50 इसके अंदर रख देते हैं, बाकी से मैं पेपर्स बना लेता हूँ। ये देखो ये मैंने रखा इधर इधर से, अरे शुगर नहीं यार, मैंने गलती से शुगर बना लिया इसी से, नहीं यार मैंने गलती कर दी, उसको इस तरीके से रखना था। चलो कोई नहीं है, शुगर भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, मेरे को मालूम नहीं है कैसे काम आने वाला है बट अभी मैंने ही गलती कर दी, शुगर क्यों बना लिया। चलो कोई नहीं, इसीलिए तो जरूरत पड़ेगी अब शुगर केन फार्म की ऑटोमेटिक वाले। बाकी यार यहाँ पर भी काफी सारे व्हाइट ग्लेज टेराकोटा बन गए हैं। अभी एक काम करता हूँ, थोड़े से और है ना वो भी बना लेता हूँ। जैसे कि ये जो मैजेंटा वाले थे ना, इसका मैंने यूज नहीं करा, जैसे कि इधर ये ब्लू वाले तो हैं। एक गाइस यार ये है लाइट ग्रे टेराकोटा, इनको भी मैं लेकर चलता हूँ, इसको भी बनाने के लिए रख देते हैं यार, अपना फर्नेस खाली रहे उससे बढ़िया तो काम ही उसमें चलता रहे, ज्यादा बेटर है। इधर मैं रखता हूँ काफी सारे, जितने बनेंगे ना गाइस यार इस बार उतने बना लेता हूँ। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल ये जो चीज़ें मैंने पूरी पूरी भर दी, इधर मैं रखता हूँ यहाँ पर लाइट ग्रे वाले। अब इससे जितने बनते हैं ना सारे कलेक्ट करता हूं और फटाफट से इसको मैं फर्नेस के अंदर डाल देता हूं। बाकी यार एक के बाद एक चीज जो है बनी जा रही है, तो अभी फिलहाल जो अपना ये वाला काम मैं सोच रहा हूं पहले ही कर लूं। तो चलो यार अभी ये जो है बनने लग गया, अभी फटाफट से मेरे को थोड़े बहुत पिस्टन वगैरह बनाने की क्या रेसिपी होती है मेरे को याद करनी पड़ेगी। तो गाइस यार अभी ना सबसे पहले मैं पिस्टन बना लेता हूं, और जो पिस्टन बनाने की रेसिपी है मैं थोड़ी सी भूल गया। तो ओके, सबसे पहले मुझे वुड चाहिए, कोबलस्टोन चाहिए, और यहां पर एक आयरन इंगट, और एक मेरे को चाहिए होगा रेडस्टोन। तो चलो भाई अभी सबसे पहले रेडस्टोन मैंने यहीं पर, ये देखो यहां से मेरे को रेडस्टोन मिल गया, और अभी मेरे को आयरन इंगट, तो मेरे हर 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 चेस्ट के अंदर मेरे आयरन इंगट मिल जाएगा भाई, बहुत
आ रहा है, तो मैंने आयरन इंगट भी ले लिया और अभी मेरे को चाहिए कोबलस्टोन मैंने रखे थे इसके अंदर। तो चलो भाई अभी सब कुछ हो गया, अब फटाफट से ना मैं 5 पिस्टन बना लेता हूँ, ठीक है। जितने ज्यादा पिस्टन और ऑब्जर्वर लगाएंगे ना उतना बड़ा हमारा यहाँ पर शुगर केन फार्म बनेगा। और मेरे को थोड़े बहुत ग्लास भी बनाने, ग्लास बन जाएंगे अपने सैंड से। तो सबसे पहले मैं इसे रखता हूँ इधर, एक पहले बनाकर देखता हूँ फिर मैं और बनाऊंगा। और यार एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास वुड भी होनी चाहिए, वुड यार मेरे पर नहीं, मैं लाया तो था। हाँ चलो भाई अभी मेरे को यहाँ से वुड भी मिल गई है, अभी फटाफट से ना 3 वुड्स मैं इधर रखता हूँ, यहाँ पर 3-3 पेयर में बांट देता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने इधर काफी सारी वुड्स तो रख दी है, अभी एक काम करता हूँ बीच में रखा ये और उसके बाद मैंने रखा नीचे आयरन रेडस्टोन और बाकी मेरे को साइड साइड में लगाने कोबलस्टोन। तो अभी फटाफट से इधर मैं कोबलस्टोन लगाता हूँ जितने भी पॉसिबल है और यहाँ पर आयरन भी ढेर सारे डाल देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। अभी मेरे को यहाँ पर बनाने 5 पिस्टन, तो चलो भाई 5 पिस्टन बन गए, बाकी चीजें अपने पास वापस। अभी 5 पिस्टन हो गए, 5 मेरे को ऑब्जर्वर भी चाहिए भाई, मैं जा कर रहा हूँ। और ऑब्जर्वर कैसे बनता था वो भी मैं भूल गया, इसके लिए भी ओके। तो इसके लिए मेरे को चाहिए नेदर क्वार्ट्स, कोबलस्टोन और रेडस्टोन। चलो नेदर क्वार्ट्स मैंने रखे हैं मेरे को याद है मैंने रखे हैं भाई, मिल जा प्लीज। चलो भाई नेदर क्वार्ट्स मिल गए, वैसे 3 ही मिले और मेरे को 5 बनाने हैं। शिट यार अपने को नेदर क्वार्ट्स और चाहिए, मेरे को जहां तक याद है ना मेरे पास पड़े तो होंगे, वरना कोई नहीं नेदर से लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मिनट नेदर क्वार्ट्स प्लीज, इसमें भी नहीं है, इस वाली चेस्ट के अंदर भी नेदर क्वार्ट्स नहीं है, इस वाली चेस्ट के अंदर प्लीज यार कहीं तो मिल जा, पहली बार ऐसा हो रहा है। इस वाली चेस्ट के अंदर भी नहीं है, एक सेकंड मेरे को दिखे कहीं तो मेरे को दिखाई, ये देखो ये रे यहाँ पर। चलो भाई हमें टोटल 7 चाहिए तो 7 ही मिले, वैसे 5 चाहिए हमें। तो चलो भाई 7 नेदर क्वार्ट्स हो गए हैं। और जो रेसिपी थी वो थी ये 2 इस तरीके से रखने हैं, एक हमें इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर हमें लगाने लाइन से कोबलस्टोन, ठीक है। मेरे को वैसे 5 चाहिए, मैं 5 लगाया था, जितने भरेंगे सारे भर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। अभी यहाँ पर वैसे रेडस्टोन की कमी तो नहीं पड़ेगी ना, पड़ गई भाई रेडस्टोन की कमी, पड़ गई नहीं पड़ी। चलो भाई यहाँ पर एक और सब कुछ हो गया, नेदर क्वार्ट्स भी जितने पॉसिबल रखता हूँ। फटाफट से यहाँ पर मैं बनाता हूँ 5 यहाँ पर ऑब्जर्वर। चलो भाई 5 ऑब्जर्वर बन गए, अभी सब कुछ हो चुका है, अभी मेरे हिसाब से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब जल्दी से हम लोग बनाते हैं। वैसे ग्लास चाहिए, सैंड प्लीज सैंड मिल जा। तो चलो भाई यहाँ पर सैंड मेरे को 2 सैंड तो मिल गई है, और भी सैंड हो गया फिर हो सकता है मेरे को ग्लास ही मिल जाए यार, यहाँ पर अभी और सैंड तो मेरे को नहीं मिल रही, तो डर्ट पड़ी है वैसे। ओके तो यहाँ पर हमको 5 सैंड और मिल गई है, और तो कि गाइस अभी ना फिलहाल वो सारी की सारी चीजें मैंने ले ली है जो कि ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाने के काम आने वाली है। मैंने थोड़े बहुत ग्लासेस लिए हैं और यहाँ पर पिस्टन लिए, ऑब्जर्वर लिए हैं, थोड़ा बहुत शुगर केन होना इंपॉर्टेंट है, एक चेस्ट लिया है, रेडस्टोन डस्ट लिया है और यहाँ पर हॉपर्स लिए हैं और बाकी कुछ नॉर्मल प्लैंक्स ब्लॉक कोबलस्टोन जो भी आप पे पड़े हैं वो सारे के सारे ले लो। अभी फटाफट से मैं चलता हूँ इस जगह पर, मैं अपना बनाने वाला हूँ ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म, जिससे मेरे को अनलिमिटेड शुगर केन मिलेगा, उससे मैं अनलिमिटेड पेपर्स ले पाऊंगा और फिर मैं अनलिमिटेड ट्रेडिंग भी कर पाऊंगा, जिससे मेरे को मैप्स मिलेंगे और भी बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली है। तो भी सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं इसको काटता हूँ एक बारी, मतलब कि इसी जगह पर मैं बनाने वाला हूँ इसलिए। तो यार यहाँ का ना मेरे को पहले थोड़ा बहुत पानी बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले पूरे में ब्लॉक लगाता हूँ ताकि पानी ना अच्छी तरह से इस जगह का सूख जाए। तो चलो भाई इतने एरिया में हम अपना काम करने वाले हैं, तो इतने एरिया का मैं पानी सुखा देता हूँ। अब मेरे हिसाब से पानी सूख गया होगा, इसलिए मैं ये वाले ब्लॉक तोड़ देता हूँ, ठीक है। वैसे पानी तुरंत ही सूख जाता है अगर हम पूरे में रख देता हूँ, तो अभी फटाफट से वाले मैं ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। अभी सब कुछ हो चुका है यहाँ पर ना, कैसे एक काम करता हूँ ये मैं ले लेता हूँ सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये अपना सेंटर पॉइंट रहेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने अपने कासल का एक सेंटर लेन ले लिया है और इसी के एकदम सामने मैं बनाने वाला हूं अपना शुगर केन फार्म। बाकी देखो सेंटर वेंटर लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए लिया ताकि लुक में थोड़ा बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैं हर चीज में लुक पर ज्यादा ध्यान देता हूं। तो चलो यार अभी फिलहाल इधर मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, एक ब्लॉक इधर लगा देता हूं क्योंकि ये जगह मैं अब तोड़ने वाला हूं, इससे क्या होगा पानी बहकर इधर नहीं आएगा। इधर भी तोड़ता हूं, इधर भी एक तोड़ा और इधर से मेरे को एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा ताकि पानी बहकर आगे ना जाए। अब फिलहाल ये हो चुका अपना सेंटर, तो मेरे को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं तोड़ देता हूं। पीछे की तरफ मैं ये लगाता हूं और इसके ऊपर मैं रख देता हूं सैंड। तो 1, 2, 3, 4 यहां पर मैं गलती से नीचे गिर गया, इसको तोड़कर यहां पर लगाता हूं मैं सैंड। तो अभी 5 सैंड के ब्लॉक हो गए हैं, इसके पीछे मैं रखने वाला हूं यहां पर ऑब्जर्वर और पिस्टन, तो दोनों चीज को रखना है। बट उससे पहले ना यहां पर एक चेस्ट का जो काम है ना वो मैं खत्म कर देता हूं, और उसके बाद मेरे को गाइस यार हॉपर्स वगैरह भी लगाने हैं, वो एंड का काम है। बट ये जो चेस्ट है ना इसको स्टार्टिंग में रख के इसका काम खत्म करो। 1, 2, 3 ब्लॉक नहीं इतना बहुत है। हां चलो अभी फिलहाल मैंने चेस्ट इस तरफ में रख दिया है, अब करते हैं आगे का काम। अब ये जो सैंड मैंने रखी है ना, इस सैंड को मैं चारों साइड से कवर कर देता हूं। वैसे चारों साइड से कवर करना जरूरी है लेकिन फ्रंट से कवर करना जरूरी है। तो भी फिलहाल इस तरफ से मैंने कुछ इस टाइप से ब्लॉक रख दिए हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो ये ना, मतलब कि तीनों साइड से कवर हो चुका है, राइट लेफ्ट और फ्रंट से, ठीक है। अब इसके ऊपर का काम करते हैं। अब हमें ना सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है वो है पिस्टन लगाने में। तो अभी फटाफट से ना सबसे पहले यहां पर पीछे मैं प्लैंक्स लगाता हूं, मुझे थोड़ी बहुत कोबलस्टोन लेकर आ जाने चाहिए। तो भी फिलहाल इधर की तरफ मैंने वाले जो ब्लॉक्स है ना इन्हें तो लगा दिया है। अब देखो यार हमें क्या करना है, जो पिस्टन है ना इसको फ्रंट साइड से ही लगाना है, क्योंकि जो इसका फेस है ना वो इस साइड ही रहना चाहिए। ये देख लो, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो जो पिस्टन है ना इसका फेस फ्रंट साइड में है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से हमें पांचों साइड पर लगाना है। अब यहां पर भी मैं इसे लगा देता हूं। चलो भाई अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वर। अब यार देखो ऑब्जर्वर लगाते हुए भी हमें यह ध्यान रखना है कि उसका जो फेस है ना वो फ्रंट साइड पर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डर्ट इधर रखता हूं ताकि जो उसका फेस है ना फ्रंट साइड पर रहेगा, वो कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले जो डर्ट है ना इसको मैं पूरे 5 ब्लॉक्स पर लगा देता हूं। चलो ठीक है अभी ये सब कंप्लीट हो गया, अब मेरे को ना पीछे की तरफ में भी थोड़ा सा ऊपर जाना
पड़ेगा पहले, तो ये देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब इस जगह पर मेरे को लगाने पड़ेंगे ऑब्जर्वर, बट ऑब्जर्वर लगाने से पहले जो डर्ट है ना इसको मैं पूरा मतलब कि हर साइड पर लगा देता हूँ ताकि मैं इस पर आराम से चल भी पाऊँ। चलो भाई अभी जो अपने पाँचों ऑब्जर्वर है उसको मैं निकालता हूँ। अब जितने भी ऑब्जर्वर मैं रखूंगा ना उसका फेस देखने का उस साइड पर ही रहेगा। मैं शायद से ठीक ही लगाया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ गाइस ये देखो इसका जो फेस है ना इस साइड पर आ गया है। तो अभी जल्दी सेम टू सेम पाँचों तरफ मैं ऐसे रख देता हूँ। वैसे मैंने सिलेक्ट ही कर रखा है। ओ भाई इसका फेस गलत गया, इसका फेस गलत गया, वो गलत इसलिए गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये टूटेगा किससे जल्दी। चलो भाई इससे मैंने तोड़ दिया। अभी मेरे को इसको ना इस वाले ब्लॉक पर रखना है तब इसका फेस सही जाएगा, नीचे वाले पे नहीं रखना। अभी ये काम भी जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, इसको मैं तोड़ देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर जितनी भी डर्ट मैंने लगाई थी इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये वाली जो डर्ट है ना ये मतलब इधर डर्ट नहीं, इधर मैं प्लैंक्स लगाया था, बाद में मैंने इसे अच्छे ब्लॉक से बना लूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने इसे नॉर्मल ब्लॉक से बना लिया है क्योंकि टेम्पररी है। वैसे टेम्पररी नहीं है तो परमानेंट, बट अभी जल्दी जल्दी में बनाना है इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टोन यूज नहीं करने वाला। तो चलो भाई अभी सब कुछ हो चुका है और मैं गलती से नीचे आ गया, नीचे नहीं आना था, अभी मेरे को वापस से ऊपर जाना है क्योंकि अभी ये पूरा काम अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है अभी मैं ऊपर आ गया। यहाँ पर जो रेड स्टोन है ना बस मेरे को इधर ये वाले जो रेड स्टोन है ना ये लगाने कुछ इस टाइप से ताकि जितने भी ऑब्जर्वर है ना सारे के सारे कनेक्ट हो जाए आपस में। इतना होने के बाद जो आपका ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म है वो फ्रंट से कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। अब अगला काम यह है इस चीज का ध्यान रखना कि जो नीचे डर्ट है ना ये पूरी की पूरी भरी होनी चाहिए, मतलब ये जगह खोखल नहीं होनी चाहिए वरना जो आपके शुगर केन होंगे ना वो नीचे आके गिर जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर ना होपर प्लेस करने हैं और होपर को मतलब कि एकदम बैठ के लगाना कि वो जितना भी सामान उसमें आए वो सारा का सारा चेस्ट के अंदर चले जाए। तो अभी फिलहाल एक होपर मैंने इधर लगा दिया, दूसरे वाले को इससे कनेक्ट करते हैं, तीसरा वाला इससे कनेक्ट करा, बाकी यार यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से हमें करना है। ये वाला इससे कनेक्ट करा, बाकी जो नेक्स्ट वाला है वो भी इसी से कनेक्ट करना है और इधर भी सेम टू सेम इधर से कनेक्ट करना है। ठीक है अभी अपने पांचों यहाँ पर होपर भी हो चुके हैं। अब बाकी जो काम है वो है यहाँ पर शुगर केन प्लेस करने का और उसके बाद ग्लास लगाने का, क्योंकि जब ये शुगर केन ये प्लेस क्यों नहीं हो रहा। शिट यार मैंने कोई गलती करी है यहाँ पर, ये एक सेकेंड। तो हाँ गाइस मैं एक चीज तो भूल ही गया था कि शुगर केन को प्लेस करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर पानी भी लाकर डालेंगे, बट जो उससे पहले का काम है ना वो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर अरे यार कहाँ भेज रहे हो मेरे को, तो चलो अभी फटाफट से ना इधर ग्लास लगाने मेरे को ताकि जब ये शुगर केन काटे ना तो शुगर केन उड़ के बाहर ना चले जाए, इसलिए भी पूरी पूरी जगह को मैं ग्लास से कंप्लीट करने वाला हूँ पूरा एकदम मस्त तरीके से। थोड़ा सा ऊपर चल लेता हूँ ताकि यहाँ पर भी मैं लगा पाऊँ। वैसे मेरे को नीचे भी लगाना है वो मैं बाद में लगा दूंगा, एक इधर लगाते इधर जहाँ जहाँ पर हमने प्लैंक्स रखे ना उधर उधर बस ग्लास लगा दो और कुछ भी नहीं करना। और अपना जो शुगर केन फार्म है समझ लो बन गया है, तो अभी बस इसको इधर से भी कंप्लीट करता हूँ, नीचे से भी कर देते हैं क्योंकि शुगर केन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है अभी सब कुछ हो चुका है मेरे हिसाब से, ऊपर से भी कर दूंगा कंप्लीट। चलो ऊपर से भी कर देते हैं। खैर मेरे पास ना इतने ही ग्लास थे इसलिए मैं ज्यादा काम करने नहीं वाला, बाद में जब और ग्लास ले आऊंगा ना तो मैं इसको पूरा का पूरा एकदम ऐसे कांच का कर दूंगा, देखने में लगेगा पूरा का पूरा जैसे मतलब शीशे का हो। तो अभी फिलहाल जितना मेरे पे मिरर था वो मैंने मतलब मिरर नहीं यहाँ पर ग्लास थे वो मैंने लगा दिए। अभी जल्दी से पानी लेकर आता हूँ और एक बारी मैं पानी डालूंगा फिर वहाँ पर शुगर केन रख दूंगा, फिर जो अपनी मशीन है काम करने लग जाएगी और हमें अनलिमिटेड शुगर केन मिलता रहेगा और फिर हम लोग जितनी चाहे उतनी ज्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वैसे भी अभी ना मेरे पास ढेर सारा आया रहना है, इससे बढ़िया मैं क्राफ्ट ही कर लेता हूँ और वाटर पैकेट की रेसिपी शायद से, अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया, शायद से यही होती है जहां तक मुझे पता। चलो भाई ठीक है अभी मेरे को एक वाटर पैकेट मिल चुके, एक से काम नहीं होगा दो बना लेता हूँ। ठीक है दो से अपने ज्यादा पानी लेंगे, अगर थोड़ा पानी वेस्ट भी जाता है तो हम लोग उसे यूज कर लेंगे। और ऐसे पानी के लिए भी मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपनी पीछे इतनी बड़ी नदी बह रही है यहीं से उठा लो सारा पानी, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर बाद में लाकर डाल देंगे। तो अभी अपने पास दो बकेट वाटर हो चुका है, इन दोनों बकेट को मैं यहाँ पर रखता हूँ और जल्दी से डालकर आते हैं अपने ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म में। और ये इतना आसान है ना भाई, मतलब इतनी जल्दी बन जाता पूछो मत, और इससे इसको जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा बना सकते हो और उतनी ज्यादा शुगर केन आपको मिलती जाएगी। तो अभी सबसे पहले मेरे को शुगर केन लगाने के लिए ना इधर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो फटाफट इधर मैं कोबल स्टोन लगाता हूँ, इसे बाद में तोड़ दूंगा, मुझे पता है लुक में बेकार लगेंगे बट इसे बाद में हटा देंगे। अभी मैं पानी डालता हूँ इधर। चलो भाई पानी एकदम डल गया लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पर मैंने गड़बड़ करी। हाँ गाइस इधर एक ग्लास लगाना होगा, तो चलो भाई मैंने ग्लास लगा दिया, पानी भी आगे नहीं आएगा बट होपर काम कर जाने चाहिए, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ बट कर जाएंगे, मेरे को लग रहा है कर जाएंगे। अभी ऊपर चलता हूँ यहाँ पर मैं और पानी एक बार ना उस साइड से भी डाल देता हूँ। ठीक है अभी इधर से भी मैंने पानी डाल दिया और पानी दोनों साइड का भाव है ना एकदम सेंटर में आ रहा है, वैसे उससे कोई मतलब नहीं है, होपर ऑटोमेटिकली काम करते हैं अपना जिससे कनेक्ट करोगे उसके साथ। तो अभी इधर मैं प्लेस कर देखता हूँ, अबे भाई चलो प्लेस तो हो गया लेकिन मैं नीचे आके गिर गया हूँ। अभी फटाफट मेरे को पहले ना ऊपर जाना पड़ेगा जल्दी से। चलो भाई ऊपर आया, इसको मैं तोड़कर देखता हूँ कि आखिरकार ये उसमें जाता है कि नहीं जाता। अभी फटाफट से इधर मैं लगाता हूँ शुगर केन। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल पांचों तरफ मैंने शुगर केन लगा दिया है। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये बाय चांस इतने ऊंचे उग जाते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हल्के से उगेंगे ना ये देखो यहाँ पर एक काट के फेंक देगा। अभी फिलहाल मैं आगे था इसलिए मेरे पास ही कलेक्ट हो गए हैं, अभी इसको ना मैं पूरा का पूरा भरता हूँ। ठीक है एकदम ऊपर भरते हैं, जितना भी मैं लगाऊँ ना ये देखो कैसे काट काट के फेंकेगा यहाँ पर, जितना देखो मेरे पास था ना मैं इधर रखूंगा, ये मैं लगाया ये काट के फेंक देगा। अब जब ये ऑटोमेटिकली उगेंगे ना तो ये मेरे को मिलते जाएंगे, अभी तो फिलहाल मैं अपने ही लगा रहा हूँ। बाकी तो ये देखो कितना ज्यादा मस्त है, एकदम
मस्त ऑटोमेटिक मशीन है, बट अगर अभी ये देखो यहाँ पर ये वाला पीस उड़कर इधर आ गया, लेकिन जब मैं इसे ग्लास से कवर करूंगा ना तो सारा का सारा मेरी चेस्ट में ही आने वाला है। देखो 18 का 18 कलेक्ट हो गया। चलो भाई अभी जितना भी मेरे को मिला है इसे लेकर यहाँ से निकलते हैं। अपना जो ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म है वो भी काम बन चुका है उसका, अभी जल्दी से चलते हैं ट्रेडिंग करने। वैसे अभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा, जब मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हो जाएंगे ना तो एक ही बार में जाके ट्रेडिंग करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने जितने भी ब्लॉक्स बनाने के लिए रखे थे मेरे हिसाब से वो सारे के सारे तो बन गए होंगे। और ये देखो भाई सयान वाला, और ये है अपना ब्लैक ग्लेज्ड, और ये ओ इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ओ भाई ये है अपना लाइट ग्रे वाला। तो भी जल्दी से ना इसको अपने कासल के अंदर लेकर चलता हूँ। बट यार कासल में जाने से पहले ना मैं थोड़ी बहुत टॉर्च ले लेता हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारे वरना मतलब जितने भी ये मॉब्स है ना बहुत परेशान करेंगे। यार टॉर्च कहाँ चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक काम करता हूँ, रुक जाओ यार, टॉर्च मेरे को नहीं लगता मेरे को मिलने वाली है। काफ़ी सारी स्टिक्स मैंने रखी थी वही मिल जाए तो की गाइस। अभी ना फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत कोल ले लिया, थोड़ी बहुत स्टिक्स ले लिया। एक काम करता हूँ भाई, टॉर्च तो मेरे को मिल नहीं रही, मतलब किसी ना किसी चेस्ट में, बट मेरे को पता नहीं। अभी जितनी टॉर्च बनती है सारी बनाता हूँ, बाकी भाड़ में जाए। अभी जल्दी से सारी की सारी टॉर्च लेकर ना मैं वहीं पर लगाने जा रहा हूँ। और जितने भी यहाँ पर टेराकोटा बने हैं ना इनको नीचे रखता हूँ, और अपना जो कासल है उसका ग्राउंड गाइस आज कंप्लीट करते हैं और देखते हैं फाइनल लुक कैसी आने वाली है। पूरे टॉर्च कहाँ रख दी मैंने, चलो भाई टॉर्च इधर रखो, शवल ऊपर रख दो, शवल की भी कोई जरूरत नहीं है। अपना कासल पूरा का पूरा स्टोन का है, तो यार देखो इसके अंदर ना मॉब स्पॉन हो रहा है, इसीलिए मैं इतनी सारी टॉर्च लेकर आऊँ। ओ भाई ऐसी की तैसी भागो 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 भाई, ये भी तो आने का कोई भी फायदा नहीं है। अंदर कम से कम 100-150 ऐसा लग रहा है मॉब्स ही मॉब्स बैठे हुए हैं। ओ भाई क्रीपर फटा है यार, इसने मेरा सामान तोड़ा है भाई, बहुत खतरनाक सामान तोड़ा है। ये फूटा कैसे लेकिन क्रीपर भाई, मैं तो बाहर आ गया था यार, उसका अलग ही सीन है। खैर छोड़ो, अभी फिलहाल मेरा जो घर है ना थोड़े टाइम के लिए ये है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं सुबह हो चुकी है और मैं सोकर उठ चुका हूँ। अभी जल्दी से मैं वापस चलता हूँ अपने कासल के अंदर। उम्मीद है जितने भी वहाँ पर मॉब्स होंगे वो सारे के सारे या तो डिस्पोन हो गए होंगे या फिर मर गए होंगे। वैसे मरेंगे कौन, बाकी तो यार यहाँ पर क्रीपर ने जो मेरा घर तोड़ा है ना, मतलब कासल तोड़ा है अंदर से, वो मेरे को देखना आखिरकार उसने कहाँ से तोड़ा है। पता नहीं यार क्या सीन उसने करा होगा। ओ भाई साहब इसने तो पूरा का पूरा गेट ही तोड़ डाला भाई। यार ये मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब यार स्ट्रिंग रिंग से मैंने काफी ज्यादा ऑटोमेटिक गेट बना रखा था, बट अभी ये जो है ना मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। खैर छोड़ो यार, जो भी है इसने तो मेरा शरीर ही जला दिया, अबे ये मैं पहली बार देख रहा हूं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं एक एक करके जितने भी यहां पर मॉब्स है ना सबको मैं बाहर कर रहा हूं। यार ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर इनमें से एक भी फूटा ना मेरा कासल बहुत बुरी तरह टूटने वाला है। यार एक मिनट यार, ये तो बड़ा परेशान कर रहे हैं। एक काम करता हूं मैं घूम के आता हूं। तो की गाइस यार अभी ना फिलहाल जितने भी मॉब्स थे ना उन सभी को लेकर मैं बाहर आ चुका हूं। और यार इन्होंने मेरे कासल का जो गेट है ना उसका पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया। और ये लोग मेरे भाग, अबे भाई साहब ये तो अगर अंदर आ गए ना तो जगह ही फोड़ देंगे। अभी मैं ऊपर चलता हूं जल्दी से। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं भाग कर अपने कासल की छत पर आ गया हूं। और यहां पर अभी मेरे हिसाब से जितने भी मॉब्स थे ना या तो वो डिस्पोन हो गया या तो यहां से चले गए हैं। अभी जल्दी से मैं एक बार नीचे चलकर देखता हूं। और ये वाले ज़ॉम्बी को देखो भाई साहब, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दिन में भी, भाई जल क्यों नहीं रहा तेरी ऐसे की तरह से, जल 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 जल। चलो भाई अभी मैंने इसे मार ही दिया, तो अभी जल्दी से मैं अंदर चलता हूं। प्लीज यार यहां पर कोई भी ना हो, बाकी यार यहां पर एक स्पाइडर तो है, पर अभी यहां पर एक स्केलेटन भी है, वो भी एन्चेंटमेंट एक्सबो, मतलब एन्चेंटमेंट बो, एक्सबो नहीं। तो चलो भाई इसको मैंने मार दिया। अभी जल्दी से ना पूरी जगह मेरे को थोड़ी बहुत टॉर्च लगानी पड़ेगी, वरना यार ये ना एक के बाद एक स्पोन होते रहेंगे। और स्पाइडर मेरे से मजे मत लियो, बहुत मारूंगा मैं, तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पीछे पड़ गई ना, नहीं नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। चलो भाई बहुत सही, अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अब यहां पर मॉब्स स्पोन नहीं होंगे। भाई पूरा का पूरा ना एक्सपी फार्म बना पड़ा है ये, इधर तेरी ऐसी की तैसी, कुछ कह रहा हूं मैं तेरे को। अभी फिलहाल चलो इसको मैंने मार दिया। अब यहां पर जो अपना सेंटर है ना इधर से मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। तो ये अपने सेंटर वाली लेन, इसको मैं तोड़ता हूं कुछ ब्लॉक। अभी जल्दी से मैं चलता हूं अपने कासल के एकदम सेंटर में। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इधर की तरफ में मैंने काफी सारे स्टोन ब्रिक्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि गाइस यार ये है अपने कासल का सेंटर। और इसी जगह पर मैं अपना एक बहुत बढ़िया डिजाइन बनाने वाला हूं, जो मैं टेराकोटा ब्लॉक्स लेकर आया हूं इनसे। बाकी यार देखो अगर अपने कासल के सेंटर की बात की जाए तो सेंटर की दो लेयर है, तो एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है। तो भी फटाफट से देखो इसको मैं तोड़ देता हूं, इससे मेरे को पता रहेगा सेंटर क्या है। यहां पर एक मस्त ही ना मैं लेन बना देता हूं, ताकि मेरे को हमेशा एकदम मालूम रहे कि आखिरकार अपने कासल का सेंटर लेन है क्या, ताकि मैं अपनी चीज को ना एकदम बराबर बना पाऊं दोनों साइड से। अभी फिलहाल बैग पूरा भर चुका है और मैंने काफी सारे ब्लॉक्स भी तोड़ दिए इधर। तो चलो भाई ये है अपना सेंटर। तो इधर मैं सबसे पहले ना एक रंगोली, मतलब इससे रंगोली कह सकते हो आप, रंगोली जैसा ही कुछ बनता है, तो इसे मैंने थोड़ा सा ना उल्टा लगा दिया। एक मिनट रुक जाए, लगते कैसे मेरे को ये देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी ये क्या है कुछ उस साइड पर, और मैं इसको इधर लगाऊँ। ये देखो गाइस इसमें शेप आ रही है, अभी इसको इधर से कलेक्ट करता हूँ। ओ भाई ये तो पूरा पूरा सर्कल हो गया भाई साहब, कितना ज्यादा सही लग रहा है देखने में। अब इसको ना एक काम करता हूँ, इसकी जो बाउंड्री है ना वो मैं करता हूँ ब्लैक वाले से। चलो ठीक है एक बार कर देखते हैं कैसा जाने वाला ये। एक मैंने इधर रखा, नहीं नहीं ये वाला गलत रख दिया, इसको तोड़ता हूँ। इसको मैं लगाता हूँ इस साइड से। ओ भाई कितना ज्यादा मस्त लगेगा यार ये। नहीं नहीं कॉर्नर से करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक ब्लॉक इधर और दूसरा ब्लॉक मैं लगाऊंगा इस साइड से, ताकि ये कनेक्ट हो। बाकी तो यार यहाँ पर आप लोग को दिख ही गया होगा कितना ज्यादा ये सही लग रहे हैं। तो की गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक डिजाइन मैंने इधर बनाया और एक डिजाइन मैंने इसके पीछे बना दिया है। अभी ना जल्दी से इसे मैं चारों साइड से कंप्लीट करता हूँ। वैसे यार ये देखने में कैसा लगेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, और थोड़ी बहुत ना चीजें भी समझ नहीं आ रही है कि लगाई कैसे
जाती है, तो यहाँ पर नहीं, ये अभी भी गलत लगा है। इसकी शेप ना थोड़ी मतलब एक जैसी है हर तरफ से। हाँ अब ये ठीक लगा है, तो अब मैं इसको लगाता हूँ इस साइड से, दूसरा लगाएंगे इस साइड से, तो अब ये भाई चारों साइड से कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और तोड़ते हैं और बढ़िया बनाएंगे इसको। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अपना जो कासल है ना उसके सेंटर में जो मैंने ब्लॉक्स लगाए थे भाई, इसने सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया ही लुक दे दिया है। मतलब कि ऐसे लग रहा है इसके ऊपर हम लोग कोई ट्रॉफी रखने वाले हैं। अब फिलहाल ये चीज भी सेट हो चुकी है, बारी है इन ग्रे वाले ब्लॉक्स की, तो इनको भी मैं लगाकर देखता हूँ आखिरकार ये देखने में कैसे लगते हैं। तो पहले यार मेरे को ना थोड़े बहुत यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स तोड़ने पड़ेंगे, फिर इनको लगाएंगे और इसे पूरा अभी के अभी कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस यार देखो, जो पहले वाला डिजाइन था ना वो मेरे को उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा था, और ये एक डिजाइन है जो कि मैंने अभी दोबारा बनाया। इसको ना मैं आपको थोड़ा सा ना ऊपर चलकर दिखाता हूँ कि आखिरकार ये देखने में लग कैसा रहा है। अब फिलहाल इसके लिए ना मेरे को यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई स्केलेटन आएगा। अच्छा स्केलेटन ऊपर आया, तो ये देखो गाइस यार अब ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब पहले वाला भी अच्छा था बट ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर बारी है इन ये सियान वाले ब्लॉक्स की। अब मेरे को नहीं पता इनसे कैसी लुक आने वाली है, बट लगाकर देखने में क्या जा रहा है। वैसे देखने में तो ये मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं नॉर्मली ही लगा देता हूँ यहाँ पर जैसे जैसे लगते जा रहे हैं, क्योंकि ये ना एक टाइप से हमें एक आउटलाइन लुक देने वाले हैं। तो भी जल्दी से इसे मैं चारों तरफ लगाता हूँ, और अब ना ऊपर चढ़ के इसकी लुक देखते हैं कि आखिरकार कैसे लग रहे हैं। बाकी तो यार जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ही बढ़िया लग रहे हैं, बट इससे जो अपना बीच वाला डिजाइन है ना वो और भी ज्यादा ग्लो हो गया है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये चीज भी होगी। अब सेम टू सेम ना उसी तरह, मतलब कि जैसे मैंने बीच में करा ना उसी तरीके से मैं इस तरफ भी डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ना कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी लग जाती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो अभी फिलहाल ये जो कॉर्नर्स है ना इसे मैंने तोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैं रेड वाले नहीं लगाऊंगा, ये रेड वाले अच्छे हैं बट उतने ज्यादा मेरे को सही नहीं लग रहे। एक काम करता हूँ, इस बार रेड वाले ही लगाकर देखते हैं। तो इसको मैं अगर इधर लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा उल्टा जा रहा है। नहीं सही है सही है, रुक जाओ। ये ना दोनों साइड से मेरे को पता नहीं क्यों सेम लग रहा है ये ब्लॉक। यहाँ पर एक लगाकर देखता हूँ, देखो अभी भी टेढ़ा, इधर से ब्लैक है इधर से रेड है, तो इसको दोबारा से मेरे को तोड़ना पड़ेगा। पता नहीं इसे मैं किस डायरेक्शन से लगाऊं कि ये सीधा लगे, भाई ये अलग ही हिसाब है इसका। सो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मेरे को यहाँ पर इसकी डायरेक्शन पता चल गई है, तो इसको मेरे को लगाना है इस साइड से, और अगर इधर लग गया तो अब मैं लगाऊंगा इस साइड से। चलो भाई हाँ अब मेरे को समझ आया ना ये कैसे लगेगा। तो चलो भाई अभी इधर मैंने कर दिया, सेम टू सेम इधर से लगाया, फिर इसके ऊपर चढ़ के इधर से लगाया, फिर इधर से लगाया। चलो भाई अब मेरे को समझ आ गया, इधर से और फिर इधर से। अब सेम टू सेम उस साइड भी इधर से लगाया, फिर इधर से लगाया, फिर इधर से। अब यहाँ पर ये जो चारों ब्लॉक्स हैं लगा दिए, और मेरे पास ये जो रेड वाले थे खत्म हो गए। ओ भाई का लुक जाएगी यार इससे अपने कासल की, इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। अब देखो यार ज्यादा ही कुछ हो गया है। अब एक काम करता हूँ ना, थोड़ी बहुत मैं प्लेन ब्लॉक्स भी ले आता हूँ, तो जैसे कि ये वाले जो ब्लॉक है ना थोड़े बहुत बीच में स्टोन ब्रिक्स भी होने चाहिए यार, इनसे भी थोड़ी अच्छी लुक आएगी। ऐसी बात नहीं है, ये ब्लॉक्स कुछ ज्यादा अलग लेवल के हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसे लगाता हूँ। बाकी यार मेरे को खाना पेट पूरा भर मतलब खाली हो चुका है, तो फिलहाल मैंने वाले ब्लॉक्स लगा दिए हैं। अब मैं लगाने वाला हूँ गाइस यहाँ पर ये जो येलो वाले ना इनको, ठीक है येलो वाले अपने लगेंगे कुछ इस टाइप से। ओ भाई इसका तो कलर ही अलग है। तो गाइस यार इसकी ना बस यही चीज समझना ना थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि आखिरकार ये लगेंगे किस डायरेक्शन में। अब देखो एक ब्लॉक मैंने इधर लगाया, दूसरा, ओ भाई इस बार फिर से कनेक्ट हो गया। हाँ चलो अब मैं समझ गया भाई, यहाँ पर हमें खड़े होना है, पहले एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, फिर एक इधर। ओ भाई इस बार भी मैचिंग हुई है, बट कुछ अजीब सी मैचिंग नहीं हुई, वैसे अच्छे लग रहे हैं, बेकार तो नहीं है कि एक नया डिजाइन निकल कर आ रहा है। मतलब जितने तरीकों से लगाओगे ना उतना ज्यादा नया डिजाइन। बाकी यार नीचे, ओ भाई नीचे जमीन ही नहीं है, रुक जाओ यहाँ पर पहले एक जमीन बनानी पड़ेगी। खोखला है भाई अपना कासल नीचे से मेरे को लग रहा है। तो चलो इसको मैंने कंप्लीट करा, सेम टू सेम उस साइड से मैंने इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया। चलो ये भी हो गया, इन ब्लॉक्स को मैं तोड़ता हूँ। यार इधर भी जमीन खोखली है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को ब्रिक्स लगा के। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल इधर मैंने काफी सारे टेराकोटास लगा लगा के एकदम कासल की लुक अंदर से भी बढ़िया कर दिया है। अब ये जो इसका ग्राउंड है ना इसको बनाने के लिए मेरे को अभी और भी ढेर सारे टेराकोटा बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास कोल की ना थोड़ी बहुत कमी पड़ गई है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं इसे पूरा कंप्लीट करता हूँ हर साइड से, जल्दी से यहाँ पर इसको मैं लगाते रहता हूँ। चलो भाई ये साइड भी हो गई, अभी फटाफट से इधर भी लगाते हैं। तो चलो गाइस ओके सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, इस तरफ में बस स्टोन लगाना बाकी थे, इधर स्टोन भी लगाता हूँ। और गाइस यार इसका जो ग्राउंड है ना भाई पहले से देखने में कितना ज्यादा सही लग रहा है। एक बार ना आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, और मुझे इसके अंदर और कौन कौन से स्टोन लगाने चाहिए। जब ये पूरे के पूरे कासल के अंदर हो जाएगा ना तब इसकी जो लुक है एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो आप लोग जाओ गाइस जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो चलो भाई अभी ना थोड़ा बहुत कोल कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, और उसका जो सारा का सारा काम है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सोच समझ लो कि जो कासल का इंटीरियर है ना वो भी पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग एडवेंचर करने। क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे जितना भी शुगर केन मिला है ना मैं जल्दी से वो सारा कलेक्ट करूंगा, उसके पेपर बनाते हैं और जल्दी से ट्रेडिंग करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं, मतलब पूरा का पूरा कोल इकट्ठा करने और सब कुछ बनाने। तो यहाँ पर अभी शुगर केन उग तो रहा था बट अभी थोड़ा ना स्लो उगता है।
है, तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है। चलो कोई नहीं, अभी मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पर जितना मतलब पेपर बनता है ना उसी से ट्रेडिंग करते हैं। मुझे लग रहा था इतनी देर में बहुत कुछ हो जाएगा, बट यार अपनी किस्मत बड़ी खराब है। यहाँ पर जो बचा कुचा शुगर केन है ना, इसी से यहाँ पर मैं पेपर बनाता हूँ और ट्रेडिंग करते हैं। तो इसे हमें तीनों को इस टाइप से रखना है, यहाँ पर तीनों में मैं बराबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी पेपर बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे बना दिए। अभी जल्दी से चलते कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग करने। बहुत सारे लोगों से सुना है कि मैप देता है, ट्रेजर मैप देता है, बड़े सही सही मैप देता है। बाकी मैं पहली बार ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो शायद से भी मेरे को ये अब जानेगा। और कार्टोग्राफर की शक्ल कुछ ऐसी सी होती है कि तू कौन है भाई, हाँ यही है कार्टोग्राफर। अभी जल्दी से मैं इसको यहाँ पर एमराल्ड लेता हूँ इससे, तो इसी टाइप से हमें ट्रेडिंग करनी है यहाँ पर जल्दी जल्दी से। मैं इसको, अबे भाई क्या हो गया, मेरे पास पेपर खत्म हो गए क्या? ओके, तो शायद से मेरे पास पेपर की कमी पड़ गई। चलो कोई नहीं गाइस, ये भी हमें इज्जत नहीं दे रहा, बाद में आऊंगा बेटा बाद में आऊंगा। चलो गाइस यार कोई नहीं, अभी फटाफट इससे मैंने जितनी ट्रेडिंग हो सकती थी कर लिया है। थोड़ा ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म में से कल हमें काफी सारे पेपर मिल जाएंगे, तो हम इससे और भी ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 400,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।